अंग्रेज के राज के खिलाफ जब आंदोलन चले दो पकड़ा ऊपर कर थोड़ा मैम, और उसका परिणाम बड़ा सुखद निकले थे। आज तो इत्तेफाक से थोड़ा सरकार स्वर्गीय दीन बंधु सर छोटू राम और सरकार सर जन्मदिन भी कर, आगे कर। किसान के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन कुर्बान किया, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए यार थोड़ा ऊपर नो दिखते चौधरी चरण सिंह, सरदार प्रकाश सिंह बादल, चौधरी देवीलाल, मुझे प्रसन्नता है, मैं सबको बधाई दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ कि आपने उनकी सोच को पूरी तरह से क्रियान्वित किया। आज उनके दिखाए हुए रस्ते पर लोग बस संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष के बलबूते पर सत्ताएं बदली जाती है, सत्ता के अनुसार लोगों को सुविधा। तो सर जितना लंबा चलेगा क्या लगता है आपको, सरकार झुकेगी, कोई फर्क पड़ेगा जितना लंबा आंदोलन चलेगा, ये कोई कमजोरी? इसी आंदोलन के दौरान ही सरकार का पतन हो जाए और निश्चित रूप से देश में मध्यावधि चुनाव हो, और जब मध्यावधि चुनाव हो तो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इस आंदोलन में जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनकी मदद करें। सर किसानों के लिए देवलाल जी ने भी त्याग किया था, अभय सिंह चौटाला ने भी इस्तीफा दिया है, तो क्या इसका क्या मायने लगते हैं हरियाणा में, कुछ फर्क पड़ेगा विधायक से इस्तीफा दिया पद से? संघर्ष हमारे खून में होते की यादव हरेक में होता है, इसलिए निश्चित रूप से हरियाणा सरकार में कैसा देखते हैं आप, जैसे अभी की बात करें इस्तीफे के बाद है, थोड़ी सी अगर बात करें अजय सिंह कहते हैं कि वह इस्तीफा उनके जेब में बैठे का, इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हरियाणा में, जो इस्तीफों का दौर चला है ये वाला। केवल हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि इस आंदोलन का असर समूचे राष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा, हरियाणा प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट भी भंग होगी मध्यावधि चुनाव।